Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard SS subject, okay? आज हम 4th standard का SS subject start करेंगे. Lesson number 10, Mineral Resources of India. Mineral Resources of India के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? अभी देखो आगे. The process of mining is involving digging the earth at the suitable place to take out minerals. देखो क्या होता है, process of mining क्या होता है कि मतलब वो खड्डा खोदना जहाँ पे कुछ भी मिले वैसा suitable place पे. The process of mining involves digging the earth at a suitable place to take out the minerals. तो ऐसे जगह पे खोदते हैं जहाँ पे से हम minerals निकाल सके, ठीक है? तो देखो, they are found naturally in the earth. वो naturally कुदरती तरीके से earth में मिलता है. Most of them are found in rock. देखो ज़्यादातर वो पत्थर के फॉर्म में रहता है, ठीक है बच्चों? Some rocks contains only one mineral. कोई कोई पत्थर में एक प्रकार के ही minerals मिलते हैं. While other may contain more than one minerals. और दूसरे में क्या होता है, एक से ज़्यादा minerals होते हैं. The place from where the minerals are taken out by digging is known as mine. देखो जहाँ से मिनरल्स निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, माइंस, है ना. द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस मिनरल्स आर टेकन आउट बाय डिगिंग इज नोन एज माइन. जहाँ से हम मिनरल्स खोद के निकालते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, माइंस. इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. इंडिया रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, ठीक है बच्चों? अभी हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ मिनरल. मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. देखो मिनरल दो टाइप के में पाए जाते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल्स और एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स. कितने टाइप के मिनरल्स है बच्चों, दो टाइप के. एक क्या है, मेटेलिक मिनरल्स है, और दूसरा कौन सा है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अभी हम मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच यील्ड मेटल आफ्टर बींग प्रोसेस्ड. देखो वो क्या होता है, मेटल होता है, उसका प्रोसेस करके सब करते हैं. जैसे कि वो मिनरल्स पे जब थोड़ा बहुत काम करके उसमें क्या होता है, मेटल फॉर्म में रहता है वो, ठीक है. जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. ये किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, मेटेलिक मिनरल्स में. देखो मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच यील्ड मेटल्स. जो मेटल होता है आफ्टर बींग प्रोसेस्ड मतलब काम वाम करके, ठीक है. जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. अभी देखो आयरन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. आयरन देखो ऐसे फॉर्म में मिलता है, ये दिख रहा है आपका फोटो में बच्चों, ठीक है. आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ अवर कंट्री. आयरन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है अपने कंट्री का. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल. देखो ये किसके लिए बनता है बच्चों, बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रेलवे कोच बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल ships बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए. तो आयरन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंट्री के लिए, है ना. इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है. जैसे कि देखो हमारे यहाँ बर्तन, यूटेंसिल है, मशीन्स है, टूल्स है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे कोचेस है, ऑटोमोबाइल्स है, शिप है, और बहुत सारी चीज़ें. आयरन इज ऑप्टेन फ्रॉम आयरन रॉड. आयरन कहाँ से ऑप्टेन होता है, आयरन ऑर से. द आयरन रॉड इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलता है ये बच्चों आयरन रॉड. तो देखो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. कहाँ कहाँ आयरन रॉड मिलता है बच्चों, तो देखो झारखंड, उड़ीसा, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है. आयरन रॉड इज प्योरीफाई इन बिग फैक्ट्रीज. इसको साफ कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में. फिर उसे क्या कहते हैं, आयरन या फिर स्टील प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है. देर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लेट्स एट कहाँ कहाँ है, रुखल में है. देखो कहाँ है बच्चों, दुर्गरपुर, बिली, ये सब प्लेसेस में मिला जाता है. अभी चलो अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे. कॉपर. कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर. कॉपर किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए. किस लिए, इलेक्ट्रिकल वायर, मशीन मैकेनिकली, फिर पाइप्स बनाने के लिए, फिर वेसल्स बनाने के लिए, है ना, यूटेंसिल, है ना,
और बहुत सारी चीज़ें। इट इज़ एक्सट्रीम फ्रॉम द, देखो कहाँ से आता है ये बच्चों, देखो ये कॉपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राजस्थान एंड झारखंड, कहाँ से बच्चों, राजस्थान और झारखंड से। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राजस्थान एंड झारखंड। अभी हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट देखो इंडिया है ना, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ मैग्नीशियम, हमारे यहाँ से ये सेकेंड लार्जेस्ट है ओर्स के बाद, ठीक है, इन द वर्ल्ड आफ्टर जिम्बाब्वे। इट इज़ यूज इन केमिकल, देखो ये कहाँ यूज़ होता है, तो केमिकल ग्लासेस क्लियर शीट इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ मिलता है बच्चों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गोवा में। कहाँ कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गोवा में। अभी हम एल्यूमिनियम का देखेंगे। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो बॉक्साइट से मिलता है, ये बॉक्साइट साइट से, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, ये काय के लिए यूज़ होता है, तो यूटेंसिल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने के लिए, है ना, और एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ मिलता है ये बच्चों, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। ये प्लेसेस पे एल्यूमिनियम मिलता है। कहाँ कहाँ एल्यूमिनियम मिलता है, तो महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। अभी हम गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों, गोल्ड। गोल्ड माइंस, गोल्ड माइंस आर फाउंड इन कर्नाटका। गोल्ड माइंस कहाँ मिलते हैं बच्चों, कर्नाटका में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, ज्वेलरीज बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये किस लिए यूज़ होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए। तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है बच्चों, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब चीज़ें आते हैं। अभी हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे, क्या बच्चों, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ऑल मिनरल्स अदर देन दोज कैरिंग मेटल आर, देखो ऑल मिनरल्स दैट अदर देन दोज कैरिंग मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे कि देखो कोल है, पेट्रोलियम है, ग्रेवल है और सॉल्ट है, ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। चलो अभी हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल यानी कोयला होता है ना। कोल इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल फ्यूल, ये सबसे कीमती फ्यूल है। इट इज़ फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। देखो ये किससे मिलता है, ट्री और प्लांट्स से जो बहुत पुराने हो। वेयर बर्न, तो उसको जलाया जाता है अंडर द ग्राउंड, उसको क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर जलाया जाता है, ठीक है बच्चों। द हीट इनसाइड द अर्थ चेंज देम, देखो तो उसके हीट निकलता है, उससे क्या होता है, ट्रीज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर उसको बहुत साल लगते हैं और वो कोयला बन जाता है, ठीक है, काला काला कोयला होता है ना वो। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग पावर, ये किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, पावर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड एज डोमेस्टिकल फ्यूल के तरीके से भी, मतलब घर के यूज़ के लिए भी, पहले नहीं खाना बनाते थे कोयला यूज़ करके चूल्हे पे, है ना। कोल रिवर, देखो ये क्या, लोकल इन द स्टेट ऑफ, ये कहाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी हम पेट्रोलियम और मिनरल सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में, पेट्रोलियम और मिनरल सॉइल। पेट्रोलियम और मिनरल सॉइल इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, अर्थ के एकदम नीचे, ठीक है, अर्थ एंड अंडर द सी बेड। इट हैज़ टू बी पम्प्ड आउट, इसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। द एरिया वेयर ऑयल इज़ फाउंड इज कॉल्ड ऑयल फील्ड, जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑयल फील्ड। द एरिया वेयर ऑयल इज़ फाउंड इज़ एंड कॉल्ड एंड ऑयल फील्ड व्हेन कर्ड ऑयल इज़ रिफर्ड, वहाँ पे तेल हम रिफर किया जाता है। इट्स गिव पेट्रोल, इसमें क्या क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, स्ट्रिप, कुकिंग गैस एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्शन मिलते हैं। मोस्ट ऑफ ऑयल फील्ड्स आर इन, कहाँ है, तो देखो आसाम में है, अंकलेश्वर में है, इन गुजरात एंड बॉम्बे हाई, ऑफ शॉर्ट नियर बॉम्बे में है, ठीक है। द अदर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आउट ऑफ दिस मिनरल्स ऑयल आर,
जैसे इसमें से और कौन से प्रोडक्ट मिलता है, तो कैरोसिन मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, रेसिल क्लाइन मिलता है, फिर प्रीफिक्स वैक्स मिलता है, मिनरल्स ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, अभी देखो, नेचुरल गैस इज यूज फॉर कुकिंग एट होम एंड रनिंग फैक्ट्रीज एंड व्हीकल ऑल्सो। नेचुरल गैस किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो एक तो घर पे भी यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, फिर गाड़ी चलाने के लिए और फैक्ट्रीज चलाने के लिए। ठीक है, वी गेट गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड वेल। हमें गैस कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड से। ठीक है, ज़मीन के नीचे से। अभी देखो, मीका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मीका। इंडिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा मीका पाया जाता है पूरी दुनिया से। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बच्चों, इंडिया में। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ मिलता है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन से प्लेस पे है, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, ये किसके लिए यूज़ होता है, तो मेडिसिंस बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स बनाने के लिए, जैसे रेडियो है, रेडियो है ना, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फिर देखो, रेडियो सेट एंड पेन, ठीक है, पेंट के लिए भी यूज़ होता है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, कन्वर्शन ऑफ मिनरल किस तरह से होता है। तो मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। देखो, मिनरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, दे आर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, उसको बहुत सारे साल लगते हैं बनने के लिए, तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम वाइजली। देखो, कोई भी मिनरल्स बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, इसलिए हमें है ना सावधानी से, होशियारी से उसका यूज़ करना चाहिए एंड कंजर्व देम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, वी शुड ट्राई टू यूज़ द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक। देखो, हमें ज़्यादातर क्या, पेट्रोल और उस पर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, हमें कुछ और भी यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि सन, विंड एंड वाटर। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल्स वेल्थ फॉर अवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट। तो हमें ना अपने मिनरल्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सब एक ही साथ ख़त्म करना चाहिए, हमें उसको अच्छे सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ताकि हम वो ज़्यादा समय तक हम यूज़ कर सकें उसको, है ना बच्चों। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आज हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। तो देखो, मेटेलिक में कौन से पॉइंट्स थे बच्चों, हमने मेटेलिक्स में क्या क्या पढ़ा, तो मेटेलिक्स में हमने आयरन के बारे में, कॉपर के बारे में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और गोल्ड के बारे में पढ़ा। और नॉन मेटेलिक में क्या पढ़ा हमने, तो नॉन मेटेलिक में पेट्रोलियम, मिनरल्स ऑयल, ये ना ये सब पढ़े हैं ना बच्चों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।